हाय गाइस, मैं ऋत्विक धनजानी एंड वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशीष। आपके लिए आपकी मिस परफेक्ट या आपका मिस्टर राइट, मिस्टर परफेक्ट, उन्हें चुनने के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, उनकी एज, कास्ट, बहुत सारी चीज। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इज दिस राइट, कि क्या आप अपना मिस्टर राइट या मिस्टर परफेक्ट सिर्फ इन सारी चीजों पर बेस करके चुनना चाहेंगे? नो राइट, सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। देयर शुड बी लव, देयर शुड बी आशिकी। गाइस, ये दिल्ली वाली क्लाइंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन इट। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन इस प्रोजेक्ट को हेड करना चाहेगा? मिस आई, वो जिम्मेदारी मैं लूंगा। Are you sure? Absolutely. एक काम बड़ा अच्छा किया आपने, रोहन को एमडी ना बनाकर बाहर का एमडी लिया। लेकिन आज अदिति की वजह से कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है ना? सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अदिति, I like you to meet my wife, गायत्री। गायत्री, अदिति सहाय। Hi अदिति। Hi ma'am, so nice to meet you. You know, पहली बार इतना डिसिप्लिन में देखा है इसे। आप इसे छोड़ना मत, पकड़ के रखना। हाँ, अच्छा, घर पर आना जरूर देने के लिए। हाँ, तेरा लंच भेज रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मॉम के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो? बिजनेस में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। गो अहेड। ओके, सिर्फ बिजनेस में है क्या रिस्क? रिस्क में भी लेना पड़ता है। यो मैं, तुम पागल हो क्या? अदिति और रोहन का रिश्ता बिल्कुल अलग। अदिति रोहन की बॉस थी और रोहन अदिति के बॉस का बेटा। इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, आई नो। जब तक आपके प्यार में वो कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आशिकी करने का मजा ही नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और ये सब शुरू हुआ था अबाउट कुछ 9 महीने पहले। Aditi. Yes, sir. I'd like you to meet my son, Rohan. Rohan Singhania. And Rohan, that's Aditi Sahai. Hamari company ki nayi MD. You'll be working under her. Excuse me. Nice to meet you, Rohan. The pleasure is all mine. इस कंपनी के चेयरमैन के बिगड़े हुए बेटे, the spoiled brat, हाँ? इसका मतलब मेरे बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं वो सच है। और तुम हो वो एमडी जो अकॉर्डिंग टू माय डैड हमारे कंपनी के टर्नओवर को एक ही साल में बदल कर रख देगी एंड ऑल दैट जैज। हाँ, कंपनी को भी, और अब ऐसा लगता है कुछ लोगों को भी, ऐसे लोगों को जिन्हें काम करने की अच्छी आदत से काफी नफरत है। हे, लिसन लिसन, मुझे ब्लेम करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं बड़े काम की चीज हूँ। अच्छा, और वैसे भी हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं तो मेरे बाकी के टैलेंट्स के बारे में तुम्हें पता चल ही जाएगा कुछ ही पलों में। अंटिल देन आई वाज वंडरिंग, मैं बाहर जा रहा हूँ जस्ट फॉर अ वॉक। यू वांट टू कम विद मी? आई मीन फॉर अ वॉक? नहीं, देखो, अब हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं, वी शुड नो ईच अदर like MD, employee, you know, relationship. क्या है ना कि कुछ लोग इस पार्टी में सिर्फ फ्लर्टिंग करने आए हैं। Some people इस पार्टी में सिर्फ
काम करने आए. सो ऑन दैट नोट मिस्टर रोहन सिंघानिया, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू. आई शैल सी यू अराउंड. अगेन द प्लेजर वाज. आई नो दैट. सी यू अराउंड. बाय अदिति. साय. ही इज सो क्यूट. रोहन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. That's why quiet. मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए I've got you something. मैंने कुछ नहीं देखा. रोहन, ये सब क्या है? रिलैक्स, देयर इज मोर. लाइट. तुमने लाइट्स क्यों बंद की रोहन? और अब ये क्या है? ओह गॉड रोहन, तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस है ये. रोहन, स्टॉप स्माइलिंग. रोहन, कम. नो, कम. नो, व्हाट आर यू डूइंग रोहन? कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा. कोई नहीं देखेगा. जब ऑफिस में कोई नहीं, सिवाय तुम्हारे और मेरे. 9 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करता एक्सेप्ट यू एंड मी. रोहन, अगर हम पार्टी करने नहीं जा सकते, पार्टी तो हमारे पास आ सकती है. जस्ट यू मी. तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? रोहन, व्हाट आर यू डूइंग? रोहन, गेटिंग ड्रंक. कम ऑन अदिति. पागल ही हो गया.
Where is Aditi? So I don't know. Maybe she is outside. I'll find out. She's never this late at work. Surprising. Sir, madam, कल रात देर तक काम कर रही थी. शायद इसलिए. I see. सर, मैडम की गाड़ी भी पार्किंग लॉट में है. कहाँ हो सकती है? Aditi का मैसेज है। ओके। She just stepped out for breakfast. Oh. चलो ठीक है। Let's get back to work. Yeah, sure. Oh my God. बेचारी। मैडम पूरी रात काम कर रही है। Oh my God. मुझे हार्ट अटैक आ गया। You know what, Aditi? Last night was amazing, but this moment, legendary. आदिति, आदिति सुनो, आदिति, अरे कम ऑन चलो कॉफी पीने चलते हैं। देखो रोहन। आदिति। क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो? कम ऑन कितना काम? ये सब भी सामने शो। रोहन। शट ऑल। Very funny रोहन। Damn it तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? कल सुबह इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन करनी है, you know that? Why are you always so childish? I mean, come on! तुम्हें खुद पता है हमें कितना काम सबमिट करना है कल तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। What is wrong with you? ज़्यादा हो गया रोहन, सॉरी, वेरी सॉरी। वैसे सॉरी बोलने का एक और तरीका है मेरे पास। मामा, मैं मेरे फ्रेंड के वहां जा रहा हूँ और खाना भी वही खाऊंगा, आल बी लेट। जब भी मुझे लगता है तू थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, You always prove me wrong. अब क्या हो गया? ये क्या तरीका है रात भर बाहर रहने का? हाँ, 27 का हो गया है तू. You should get married now. What? मैं? मिसेस शर्मा की भांजी आ रही है और वो संडे को हमारे घर पे लंच पे आ रहे हैं. माँ प्लीज, वो भांजी वांजी से मैं नहीं मिलने वाला हूँ. मुझे शादी वादी नहीं करनी है. देखिए आप दोनों, let me tell you one thing. मैं आप दोनों को एक चीज बता देता हूँ. मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, just for your information. जो मुझे पसंद करती है, the one who loves me, okay? Final. तो हमने क्या मना किया है? कोई है क्या? नहीं, of course not, Mama, Dad. लेकिन इस बार अगर तू ये बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सुन ले तू। Aditi, please do this for me. Do what for you, Rohan? तुम क्या चाहते हो? मैं जाके तुम्हारे मॉम डैड को कहूँ कि सर, मैम, आपका बेटा जो मुझसे 5 साल छोटा है, मुझे उससे शादी करनी है। Wow. How ridiculous! What's so ridiculous, यार? अरे कह देंगे मैं शादी करनी है. Simple. It's not that simple. You've lost it. तुम्हारे dad मेरे boss हैं. Please try and be practical, Rohan. Practical? Unbelievable. You know you're right. प्यार में practical ही होना चाहिए. मेरी तरह नहीं. Emotional fool. Rohan, please don't be like this. Try and understand. Understand what, Aditi? इतने दिनों से क्या था ये सब? तब तुमने नहीं सोचा प्रैक्टिकलिटी के बारे में?
चीजें सब अभी ऐसे जैसी तब थी. Nothing stopped you then, what's stopping you right now? तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? रोहन, you're not understanding. शादी मेरे लिए बहुत सीरियस डिसीजन है. तो इसका मतलब तुम मेरे, you're not serious about me? What about us? रोहन, 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 तुम्हें लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिला है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था. मैंने हर एक चीज के लिए स्ट्रगल किया है, यहां तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल किया है. तुम जानते हो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे डैड जो इस कंपनी के चेयरमैन है, हर छोटे हर बड़े डिसीजन के लिए मुझ पर डिपेंड करते हैं. जानते हो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है वो. आई एम सो गॉड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज इस मकाम पर पहुंच गई हूँ. कल अगर हम जाके तुम्हारे डैड को ये कहेंगे कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, यू नो व्हाट ही इज गोना थिंक? ही इज गोना थिंक कि ये पूरा मेरा एक प्लान था इस कंपनी की मालकिन बनने का. और फिर जानते हो फिर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगर लोग क्या कहेंगे, ये जस्ट टू मी वंस, क्या तुमने कभी भी हमारे फ्यूचर या हमारी शादी के बारे में सोचा? नहीं प्लीज ऐसी बातें मत कर. यू नो आई लव यू, यू नो आई लव यू अ लॉट, जस्ट दैट मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ. और आदत है मुझे इस रिलेशनशिप को भी मेरी बाकी रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करना चाहिए था, जस्ट कैजुअल. अब मुझे पता चल गया कि तुम जैसी औरत मुझ जैसे लड़कों को, आई मीन you guys just want to use us for good fun, right? God! Hmm? जिस कंपनी में तुम काम करती हो, उस कंपनी के मालिक का बेटा हूं मैं. वगैरह मुझे पता चल गया कि तुम जैसी औरत मुझे जैसे लड़कों को, यू गाइस जस्ट वांट टू यूज अस फॉर गुड फन. इस कंपनी में तुम काम करती हो, इस कंपनी के मालिक का बेटा हूं मैं. कब द फोन वॉइसमेल पे की जा रहा है. ऑफिस नहीं आई. आई नो इट्स सैड एंड शॉकिंग. पता नहीं मैम ने अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया, किसी को भी नहीं पता सर. उनका फोन भी अनरीचेबल है. ही रिजाइन्ड? पर हाउ कम? आई डोंट नो सर, सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं. One drink. Large.
दारू इतनी चढ़ती है तो अंग्रेजी नहीं देसी पीनी चाहिए। वैसे भी तुम अभी इतने आउट हो कि मैं तुम्हें स्कॉच की जगह सस्ती वाली भी पिला दूंगी ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अपने बिजनेस सीक्रेट ऐसे ओपनली रिवील नहीं करते। वेल, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि ये सुनने के बाद तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं। काफी रातों से देख रही हूँ, रोज इसी टेबल पे आके बैठ जाते हो, थकते नहीं हो? ओ वेट वेट, आई ड्रॉप यू। नॉर्मली लड़के ऐसे अकेले बैठ के ड्रिंक तब करते हैं जब उनका हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप टाइम्स। मेरे रिलेशनशिप स्टेटस में कोई इंटरेस्ट है तुम्हें? मैड और व्हाट, मैं इन चीजों से बहुत दूर आ चुकी हूँ। बचपन में बचपन वाली बात। हाउ ओल्ड आर यू? मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। आई एम 23। ये डेटिंग कब शुरू किया थे? व्हेन यू वर लाइक इन केजी? ना, I was 14, but now I am over these things. You know what? मैं भी तंग आ गया हूँ all these relationships. What is your name was? Charlie. एक काम करते हैं, let's go back inside. Let's just get drunk. Seriously. नहीं यार, drinking and all, I am done with it. Been there, done that. मुझे लगता था इन सब में खुशियाँ मिलती है, but बाद में realize किया कि अगर हमें कोई खुशियाँ दे सकता है, तो वो हम खुद हैं। चले? हेलो बेटा, लैंडलाइन पर कोई फोन आया था तुम्हारे लिए। यू हैव गॉट द अपॉइंटमेंट, आई न्यू इट। आज तक यू हैव नेवर फेल्ड इन एनी इंटरव्यू। आई एम प्राउड ऑफ यू अदिति। थैंक यू पापा। हेलो स्वीरी, हाय, आई एम सो सॉरी फॉर लास्ट नाइट। तुम पर यू नहीं चिल्लाने था, कंप्लीटली माय फॉल्ट। तुम चिंता मत करना, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। ऑलराइट। हम पहले भी मिल चुके हैं। वेट, वॉशरूम में, राइट? I'm sorry, I know it's none of my business. But you know what? इतना प्यार करती हूँ उससे, उसके वॉइस मैसेजेस बार बार सुन रही हूँ, जैसे कि कोई हिट सॉन्ग हो। सब दिखाई देता है that he loves you too. Then what is the problem? If he's the same guy, go for him. आप नहीं समझेंगी, it's not that easy. You know, सबसे ज्यादा difficult क्या होता है? पूरी जिंदगी अकेले रहना। जब जिंदगी में रिश्ता खास होता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। बिफोर इज टू लेट, जस्ट गो। ओ गॉड, ये लड़का भी ना हाथ धोती है किसी चीज की। उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाउ कैन यू कम होम सो ड्रंक? कम ऑन, गेट अप, कम ऑन। वो मिसेस शर्मा की भांजी आ गई है, कम ऑन, गेट अप। फ्रेश हो जाओ। भांजी, आई डोंट केयर मॉम, प्लीज लीव मी अलोन। लिसन,
तुम्हें अकेले छोड़ने का नतीजा देख चुके हैं हम। उठ जाओ, गेट अप, तुम्हें उसे मिलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मनाया हमने उसे, तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, नंगे मत आना, शर्ट पहन कर आना, ठीक है? You got no choice, I'm sorry. You got no choice, I'm sorry. Oh, please leave me. You? Charlie? तुम? Forget it, Charlie. कौन थी वो? My past, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ. Just don't talk about it. Why? अरे वो why? Just. पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपने past को अपना present बना दिया. तुम उसे अभी भी नहीं भूले और तुम इस तरह से move on नहीं कर पाओगे. You're still not out of her. I know, but I'm trying. और ऐसा नहीं, मैं अभी भी उसे बहुत. You know what? Like I just. रोहन कभी भी किसी रिलेशन को ऐसे हाफ बेक्ड अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक दूसरा समझ ही नहीं आएगा. यू कैन मूव ऑन लाइक दिस. या मिस नोयरोन, तुम तो 14 साल की उम्र से ही डेट कर रही हो, तुम्हारी तो आदत हो गई मूव ऑन करने की. सी इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू मूव ऑन. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सिर्फ इट्स ओवर बोलने से कोई रिलेशन खत्म नहीं हो जाता. कोई रिलेशन खत्म तब होता है जब जब हम कम्प्लीटली उससे बाहर आ जाते हैं. No, not too much, ज्ञान. एक बात बताओ मुझे, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई स्पेशल नहीं जिसे तुम बहुत प्यार करती हो? Someone, I mean, you give your heart to. Not really. First boyfriend, school time में था. हमारे स्कूल का बास्केटबॉल प्लेयर था. But then my second boyfriend, he was my second boyfriend. अच्छा था, but ज़्यादा अच्छा. चार्ली और अदिति में बहुत फर्क है. अदिति हैप्पी जॉब, हैप्पी पेरेंट्स, बट कहीं ना कहीं उसमें दुनिया को फेस करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि शी वाज अ लिटिल इनसिक्योर. और दूसरी तरफ थी चार्ली, कॉलेज ड्रॉप आउट, बारटेंडर. आई थिंक इन दो चीजों को सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा चार्ली की पर्सनैलिटी का. रोहन के टूटे दिल को चार्ली ने सहारा दिया और कहीं ना कहीं चार्ली अब रोहन से प्यार भी करने लगी. तभी तो जब रोहन की फैमिली ने उसे फोर्स किया कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो उसने एक झटके में हाँ कह दी चार्ली से शादी करने की. थैंक यू. आप लोग आज हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं, हमें बेहद खुशी है इस बात की. अब आइए, मेरा बेटा रोहन सिंघानिया चार्ली से रिंग्स एक्सचेंज करेगा. Happy? Of course. Yeah, of course. बहुत जुड़ा था. But don't worry, you will be happy eventually. I know. You know what? मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है. You're so positive about life. Yes, I am. रोहन, सी कौन आया? तुमने इन्हें अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया होगा ना, तभी तो इतनी दूर से आई हैं ये. आइए आइए. मीट माय डॉटर इन लॉ चार्ली. Hi. Congratulations. Thank you. Congratulations, Rohan. Yeah. I'm so sorry अगर मुझे पता होता कि आप लोगों की एंगेजमेंट है तो मैं. अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दो दिन में शादी है और आपको सारे फंक्शंस अटेंड करने.
है ना रोहन? तुम यहां क्या कर रही हो? I'm sorry. मैं यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट डिस्टर्ब करने नहीं आई थी. But unfortunately, that's exactly what you've done. Deep. How could you have? I loved you, Aditya. और तुमने मेरे साथ. You know what? तो मैं देखता हूँ ना तो अपने आप पे गुस्सा आता है मुझे. उन हर एक मिनट हर एक सेकंड पर जो I wasted on you. तुमने मुझ पे वेस्ट किए? रोहन 3 महीने हुए हमें अलग हुए हुए. And you are the one that's getting married. अमीर बिजनेसमैन की बेटी है शायद इसलिए. Please don't. अब क्या हुआ रोहन? उन बड़ी बड़ी बातों का, उन प्रॉमिसेस का. खैर, गलती मैंने की, सजा भी मुझे ही मिल रही है. But you know what, रोहन? वो हर एक पल जो मैंने तुम्हारे बिना बिताया, उस हर पल में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से नफरत की है. और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं. I hope you have a great life ahead, Rohan. I really do. And I'm really sorry, Rohan, if I ever hurt you. I really am. Take care. मेरे अच्छे खासे प्लान पे पानी फेर दिया. बिल्कुल हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह एंड मोमेंट पे एंट्री मारी. और तुम्हारे फेस पे ना बड़ा बड़ा बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा था दैट यू आर मैडली इन लव विद रोहन. बट रोहन कुडंट सी इट. ईगो. बट आई कुड. इस तरह से तुमने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में इतना बड़ा ब्लंडर कर लिया. एंड यू आर आस्किंग मी कि मैं यहां क्या कर रही हूं. वाओ. Don't worry, Charlie. मैं यहाँ तुम्हारी शादी तोड़ने नहीं आई. शादी की बात कर कौन रहा है? तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की एमडी थी ना, तो क्या तुम्हें अब समझ आया कि रिश्ते संभालना कंपनी संभालने से बहुत मुश्किल. अरे यू गाइस आर सो इमैच्योर यार. जस्ट बिकॉज चीजें वैसी नहीं है द वे यू गाइस वांटेड इट टू बी, तुम दोनों ने गिव अप कर लिया. Talk it out, sort it out. It's simple. चाली, ये लेक्चर जो तुम मुझे दे रही हो ना, अपनी उम्र की लड़कियों को जाकर दोगी तो शायद बेहतर होगा. और अब अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया, प्लीज लीव. I won't. ना तो तुमसे पूछ के आई थी और नहीं जाऊंगी. तुम्हें मुझे निकालना होगा रोहन की जिंदगी से.
आई नो मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ, कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी की एमडी और मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट एंड आई एम अ बारटेंडर, कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन कोई भी फेस तुमसे बेटर तरीके से हैंडल कर लूंगी। आई नो यू गाइस आर मैडली इन लव विद ईच अदर। अदिति तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, ले जाओ रोहन को मुझसे, क्योंकि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो रोहन तो क्या, मैं तुम्हें रोहन की परछाई भी नहीं छूने दूंगी। एक्सक्यूज मी गाइस, आई नीड अ मोमेंट विद रोहन, कैन यू एक्सक्यूज अस प्लीज। तुम यहाँ चुप रहो, कुछ मत बोलना। यू नो मैं हमेशा सोचती थी कि दुनिया में एक इंसान है जो मुझे हमेशा समझे, एंड दैट्स यू। लेकिन नहीं, तुमसे बेहतर तो मुझे चार्ली ने समझा। व्हाट? चार्ली? हाँ चार्ली। चार्ली कहाँ? मिलने आई थी वो मुझे, और चार्ली ने मुझे बताया कि हम दोनों कितने स्टूपिड हैं जो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी करोगे? नहीं कुछ सोचा। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। Exactly my point. ये सुना तुमने अपने आप को कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? Do you remember तुमने मुझे आखिर में क्या बोला था? तुमने मुझसे कहा that I used you for good fun. I mean, what were you thinking? गलती तुम्हारी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि I am at fault. Because you are at fault. धोखा तुमने मुझे दी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा, शराबी मैं बना, but I am selfish. वो सारी गलती मेरी है। Unbelievable. अच्छा सुनो, अब हमने बहुत लड़ाई कर ली, जल्दी से सॉरी बोलो एंड फिनिश दिस। What? मैं? I'm not gonna say sorry. अरे क्योंकि गलती तुम्हारी है तो सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा ना। आई विल नॉट। ओके फाइन देन आई लीव। यू कांट लीव। ओके फाइन, इफ यू आर नॉट सेइंग सॉरी तो फिर मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं मैं हाउ दैट्स नॉट फेयर। Okay, I'm sorry. I miss you. I love you. अच्छा सुन, मैंने सॉरी कहा, एटलीस्ट तुम भी थोड़ा सॉरी कह सकते हो, थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी है। Now that we're back together, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। एक तो ये कि women are always right, और दूसरा ये कि लड़कियां कभी सॉरी नहीं बोलती। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बार बार तुम्हें छोड़ के जाऊं, just accept that, ना? I miss you so much. I miss you too. है बावरी ये आशिकी, गुस्ताखी ये आशिकी, बेवाकुमी ये आशिकी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी हैशटैग ये है आशिकी। रोहन और अदिति की जो कहानी थी वो बहुत ही अलग, यू नो इट वाज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड आई बिलीव कि अगर आपकी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो तो आशिकी करने का मजा नहीं। इसीलिए तो हमें आज भी हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट ये सारे नाम याद है। ऐसा एक और नाम याद है जो हम सब जानते हैं, हम सबकी जुबान में, देवदास पारो से कितना प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह रोहन अदिति से करते। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी लेकर। तब तक के लिए हम मिलते हैं ऐसे 3 लोगों से जिनकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती। हाय, मेरा नाम अभय है और मैंने BMM किया है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे डैड चाहते थे कि मैं अनीशा के अंडर में जाके काम सीखूं।
एंड उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया और फिर हम लोग साथ में काम करने लगे एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हर सो मैंने जाके इन्हें प्रपोज कर दिया। अभय तो मुझे भी काफी पसंद थे शुरू से बट हमारे बीच इतना एज डिफरेंस था कि तो आई जस्ट रिजाइन एंड आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम एट दैट टाइम ओनली आई मेट स्नेहा। अभय हमेशा डिप्रेशन में रहता था और उसने पीना भी शुरू कर दिया और मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को मिलवा दिया जाए और मैं इन दोनों को मिलवाने में सक्सेसफुल भी रही।